बीरबल को उनके घर के बाहर दफनाने के बाद सभी दरबारी बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि चलो, अब तो बीरबल से हमेशा के लिए पीछा छूट गया है और अब सभी दरबारी बड़ी ही खुशी से रह रहे थे। परंतु बीरबल तो अपनी ही बनाई हुई सुरंग से निकलकर अपने घर में जा पहुंचे थे। काफी दिनों तक आराम करने के बाद बीरबल ने सोचा कि चलो, अब क्यों ना राजदरबार में अपने काम पर वापस जाएं। परंतु अब बीरबल उस दर्जी को भी सबक सिखाना चाहते थे, जिसके कहने पर बादशाह अकबर ने बीरबल को दफन करवाया था। तो एक दिन अचानक बीरबल राजदरबार में आ पहुंचे। बीरबल को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी दरबारी चिल्लाने लगे, भागो भागो भूत आ गया, भागो भागो भूत आया। परंतु बादशाह अकबर ने कहा, अरे बीरबल, तुम वापस आ गए? तो बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, आपके अब्बू ने कहा कि अब जाकर मेरे बेटे का मनोरंजन करो, तो मैं वापस आ गया। परंतु आपके अब्बू ने एक और संदेशा भेजा है। तो शहंशाह अकबर ने कहा, बताओ कौन सा संदेशा भेजा है? तो बीरबल ने कहा, आपके अब्बू ने कहा है कि यहाँ जन्नत में कोई भी अच्छा दर्जी नहीं है जो मेरे लिए अच्छे से कपड़े सिल सके। तो उन्होंने कहा है कि तुम अब जाकर हमारे दरबार के दर्जी को यहाँ भेजो। यह सुनते ही वह दर्जी यहाँ वहाँ भागने लगा। परंतु बादशाह अकबर को अब समझ में आ गया था कि ये सारा खेल इस दर्जी का ही है और उन्होंने उस दर्जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे जेल में बंद करवा दिया। और फिर सभी दरबारी कहने लगे, बादशाह अकबर की जय हो, बादशाह अकबर की जय हो, महाराज बीरबल की जय हो, महाराज बीरबल की जय हो। बच्चों, देखा आपने कि बीरबल कैसे अपनी बुद्धिमानी से हर मुसीबत से बाहर आ जाते थे? तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।